नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। इसमें आप देख सकते हैं संविदा कर्मी नियमितीकरण जल्द शुरू होगी प्रक्रिया, मुख्यमंत्री का आदेश जारी और 4 लाख संविदा कर्मियों को मिलने वाला है लाभ। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की, जल्द ही वे बड़ी सौगात देने वाले हैं और इस पर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस राज्य की सरकार ने अपने कहे हुए वादे के अनुसार मुख्यमंत्री के नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसमें करीब लगभग 4 लाख संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल जवाब, कोई भी हमसे सवाल हो या कोई आपके मन में मनसा हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश मैं पूरे तरीके से करूंगा। हमारी टीम आप तक आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर पहुंचाएगी। फ़िलहाल बात कर लेते हैं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण जल्द होने वाला है, इस पर प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, इसमें जो ये राज्य है इसके 4 लाख संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। अब किस मुख्यमंत्री ने ये किया है मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो 29 जुलाई 2022 की ये खबर है, संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण जल्द शुरू होगी प्रक्रिया, जानिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। तो ये आप जानते भी होंगे, आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल जी और इन्होंने क्या कहा है सब कुछ जानेंगे। अब मैं आपको बता दूं, रायपुर बस्तर लंबे अरसे से नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा कर्मी और अनियमित कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार जल्द ही संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है, इसके संकेत सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दी है। एक प्रश्न के जवाब में सीएम बघेल ने कहा कि घोषणा पत्र में जो बात कही गई है उसका निश्चित तौर पर पालन किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने खुद ही आकर, जो मानसून विधानसभा का सत्र चलता है उसमें खुद ये स्पीकर के सामने ये बात कही है कि उनके घोषणा पत्र में, जो मैंने आपको पहले वीडियो भी पढ़ी होगी संविदा कर्मी की प्लेलिस्ट में, जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें संविदा कर्मियों का नियमितीकरण को लेकर बात की गई थी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद अपने घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग काम करने का वादा को पूरा करते हुए स्पीकर के सामने संसद मतलब विधानसभा सत्र में ये बात साफ कर दी है कि जो संविदा कर्मी हैं उनका जो नियमितीकरण है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को प्रदेश में पदस्थ अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के नियमितीकरण का मुद्दा गूंजा है। ये सवाल विद्या रतन भसीन का था लेकिन उनकी अनुपस्थिति में धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाया। इस प्रश्न के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संविदा और अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव, विधि विधायी सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त, सचिव पंचायत और सचिव आदिम जाति की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी। कमेटी की अनुशंसा थी कि विभागों से डिटेल मंगाया जाए और विधि विधायी विभाग से अभिमत लिया जाए। सदन में मुख्यमंत्री ने बताया कि कई विभाग से कर्मचारियों का डिटेल आ गया है, जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इनका कहना यह है कि जो कमेटी का गठन किया गया था 9 जनवरी 2020 को,
उस कमेटी ने अनुशंसा की थी और विभाग से उनका बायोडाटा मांगा था। तो कुछ विभाग का बायोडाटा इनके पास पहुंच गया है और जिनका बायोडाटा पहुंच गया है उन पर कार्रवाई जल्द ही की जाएगी और जिनका धीरे धीरे आता रहेगा उन पर कार्रवाई होती रहेगी इनके नियमितीकरण को लेकर। सीएम भूपेश ने कहा कि सभी विभागों में एक बार फिर से पत्र लिखने के लिए कहा है, फिर से निर्देशित करूँगा कि सभी विभाग को जल्दी से जल्दी उसकी जानकारी आ जाए। विधि विभाग द्वारा एजी से अभिमत की जानकारी लेने के लिए पत्राचार किया गया है, जल्द होगा नियमितीकरण। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नियमितीकरण को लेकर समय सीमा बताने को लेकर सवाल पूछा है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की समय सीमा तो बताना संभव नहीं है, पर हम इन कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी नियमित करेंगे। तो जो प्रतिपक्ष के नेता थे धर्मलाल कौशिक जी, इन्होंने सीएम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल किया था कि आप समय सीमा बताइए, कब तक आप इनको नियमितीकरण की सौगात दे सकते हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री का बयान ये था कि हम समय सीमा बताना संभव नहीं है, लेकिन जल्द ही इन कर्मचारियों का नियमितीकरण तय है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और जैसे ही कोई और आगे हमें आगे इस बारे में जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल द्वारा आपको सबसे पहले वीडियो अपलोड करके बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि भविष्य में जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।